यहाँ पे एयर आ रही है, पे वाव स्पीड हो गई। फिर आती है परकशन। परकशन का मेथड क्या है, कैसे आप लोगों ने सीखना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये मैंने ऐसे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद मैंने अपनी उंगली को स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद मैंने इस हाथ को हल्का सा दबाना है, तो मिडिल फिंगर को ऐसे मेरी उंगली है ना ऐसे नजर आ रही है, इसका कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है कि मेरा ना कॉन्टैक्ट अच्छा हो। कॉन्टैक्ट अच्छा होने के बाद फिर मैंने ऐसे स्ट्राइक करना और मूवमेंट मेरी ये वाली हो, मूवमेंट ये वाली हो, ठीक है। होता क्या है, आपका जो हाथ है ना वो ऐसे होता है। अब ऐसे हाथ होने से क्या होगा कि आपका ये नीचे से कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है तो फर्क महसूस हुआ, समझ गया नहीं। और मेरा हाथ है कॉन्टैक्ट पूरा बाहर तक आवाज जाए, समझ गया नहीं। दूसरा एग्जाम के दिनों में नाखून काटते थे मुझे, बड़े 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 नाखून लिए, क्योंकि अपने आप को जख्मी करने वाली है उंगली मेरी सुबह फोड़ दी गई, एग्जाम के दिन में नाखून लात में काटते थे। अच्छा, तो प्रकर्षण जो है वो कहाँ कहाँ करनी है, दूसरा कर्विकुलर वेलिकुलर दूसरा कर्विकुलर और बाकी नीचे लग सुबह का क्या तरीका है यहाँ तक का। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्लविकुलर पर डायरेक्ट स्ट्राइक करें, मैं इसके हक में नहीं, उसको तकलीफ से बचाना। आपकी एग्जामिनेशन के पेशेंट डिस्कम्फर्ट में ना जाए, चीज को सूट बना लो। आप लोग सिर्फ पास कर इसी बात पे पास करते होते हो कि आपने पेशेंट की वेलफेयर का ख्याल, ठीक है, पेशेंट की वेलफेयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, आपको समय लगी ना, मैंने इसलिए आगे और यहाँ पे डालना है, मुझे पता है नेचर यहाँ पे डालना से होगी, किसी से डालना से होगी, और फिर ये वाले एरिया हर बुक के अंदर मेथड की बुक के अंदर ये एरियाज बने हुए हैं कहाँ पे आप लोगों ने प्रकर्षण कर दिए, जिन एरिया पे हमने प्रकर्षण किए इन्हीं एरिया पे हमने ऑस्कल्टेशन कर। अब ये जो ऑस्कल्टेशन है ना, ये पेशेंट की वेलफेयर में हम लोग बड़ा स्कोर करते हैं, मरीज के अनुसार दुलाई जाते हैं। हम खुद थोड़ा सा खुद अपने पर तजर्बा करें ना, तो मैं 7-8 दफा करूंगा तो मैं लाइट हेडनेस होना शुरू करूँगा, खुद को लाइट हेडनेस होना शुरू होगा। इस वजह से इसमें हम लोग कहते होते हैं कीप द ब्रेथ्स टू मिनिमम, स्ट्रेथ लगाई किया उसके बाद सांस ले करें, तो बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज का इजाफा कर सकता हूँ, अगर आपको लगे कि पेशेंट की एक साइड कम मूव कर रही है, उस जगह का प्रकर्षण लोड भी इम्पेयर्ड है, तो उस साइड पे ज्यादा टाइम लगा लें ऑस्कल्टेशन करने में, प्रकर्षण करने में तो पेशेंट होगी ऑस्कल्टेशन होगी। ऑस्कल्टेशन में सुनना क्या है, नॉट एबनॉर्मल साउंड। आप लोगों से मैंने क्या तो है नॉर्मल साउंड, तो नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग सुनने, इंस्पिरेशन कैसी है, एक्सप्रेशन कैसी है, उसके बाद आप लोगों ने बोलना है कि कोई एबनॉर्मल कोई साउंड आ रही है कि नहीं आ रही। होता पता क्या है, इम्तिहान के दिनों में हम लोग हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना साथ जो कंडक्ट करवा रहे होते हैं वो बच्चों को फाइंडिंग्स बता देते हैं कि इस पेशेंट को रोका ही आ रहा है, इस पेशेंट को कैपिटेशन आ रही है। तो होता क्या है, आपको बाहर से आपके कान में बोल देता है पेशेंट को रोका ही आ रहा है, तो आप अंदर जाते हो ना तो हम लोग कहते हैं अगर पेशेंट का एग्जामिनेशन करो, तो अभी स्ट्रेथ भी नहीं लगाई और पेशेंट जाके सारी कर सर पेशेंट को कैप्स आ रहे हैं, तुम्हारी कैसी